नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट के अपडेट के बारे में। यहाँ देख सकते हैं जिनका भी एग्जाम है रेलवे एनटीपीसी का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो का अंत तक आप देखिए। हम बात करेंगे मॉक टेस्ट, जो ऑनलाइन एग्जाम आप लोग का होगा, जो भी ऑनलाइन एग्जाम आप देंगे, मॉक टेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग के लिए छिपा हुआ था, जिसे मैंने किसी वीडियो में बताया नहीं था, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो में आप लोग को बता दूं। और काफी बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते वहां पर जाके एग्जाम में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है एग्जाम देने में, तो इस वीडियो में उसी जानकारी को मैं बताऊंगा। तो मैंने रेलवे का जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट है उसको खोल लिया, और ये मॉक टेस्ट को देखना आप लोग को बहुत जरूरी है, इसके इंस्ट्रक्शन को देखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ लैंग्वेज को कर लेते हैं, पहले मैं हिंदी में करता हूँ, फिर बाद में मैं इंग्लिश में करूंगा। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिएगा मॉक टेस्ट में क्या होगा। तो मॉक टेस्ट में यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे जब आप जाएंगे तो एक जगह पॉइंट नंबर 6 में, यहाँ देखिएगा पॉइंट नंबर 6 में भाषा के बारे में बोला गया है कि भाषा में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि भाषा, आप अंग्रेजी भाषा के साथ साथ उस भाषा में प्रश्न देख सकते हैं जिसके लिए आपने ये आवेदन किया होगा। मतलब आवेदन करते समय अगर आपने हिंदी चुना होगा कि एग्जाम का लैंग्वेज जो हिंदी में होना चाहिए, तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर। बट लेकिन यदि आप अंग्रेजी भाषा चुनते हैं तो प्रश्न केवल अंग्रेजी में ही आपको दिखाई जाएगी, मतलब हिंदी में आपको नहीं दिखाई जाएगी। तो जिन्होंने भी इंग्लिश में प्रश्न क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज चुना होगा, उसको उनको हिंदी में क्वेश्चन पेपर नहीं दिखाया जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आपने हिंदी में या किसी अदर लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज चुना होगा तो आपको इंग्लिश में क्वेश्चन दिखाया जाएगा, बट अगर आपने इंग्लिश में चुना होगा तो आपको केवल क्वेश्चन इंग्लिश में ही दिखाया जाएगा। निर्देशों और प्रश्नों को उस भाषा में दिखाया जाएगा निर्देश और प्रश्न को उस भाषा में दिखाया जाएगा जो आपके द्वारा निर्देश पृष्ठ के साथ साथ प्रश्न के ऊपर दाएं कोने पे ड्रॉप डाउन में दिए गए हैं। स्क्रीन पर प्रश्न चुनी गई भाषा में दिखेंगे, ठीक है। जो स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर होगा उससे चुना गया भाषा में डिफॉल्ट लैंग्वेज जो आपने चुना होगा उसमें दिखेगा। आप पे प्रश्न स्क्रीन सबसे ऊपर कोने में व्यू इन के रूप में उपलब्ध ड्रॉप डाउन की सूची में आवश्यक विकल्प चुनकर परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र अंग्रेजी या चुनी हुई भाषा में कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी या चुनी हुई भाषा, अगर आपने अंग्रेजी ही चुना हुआ है और चुनी गई भाषा अंग्रेजी ही हो सकती है। अगर अंग्रेजी आपने डिफॉल्ट में चुना हुआ है फॉर्म फिल करते समय, तो आपका जो लैंग्वेज होगा केवल इंग्लिश होगा। अगर आपने हिंदी या किसी अदर लैंग्वेज को चुना है तो आप इंग्लिश में तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में उस भाषा में क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो लैंग्वेज वाला ऑप्शन उन्हीं के लिए काम करेगा। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ लैंग्वेज वाला ऑप्शन किसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मान लीजिए कि मैंने हिंदी दिया, यहां पे आई एम रेडी टू बिगिन किया, सिर्फ इतना पॉइंट है आप लोगों को जानना है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। अब यहां देखिए क्वेश्चन पेपर मैंने खोल लिया, जो रेलवे का मॉक टेस्ट है उसमें बताया कि राइट साइड आपको लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर मैंने खोल लिया वहां से, अब कुछ देर में देखिएगा खुल जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ खुल गया ना, अब क्वेश्चन पेपर हिंदी में दिखा रहा है, आपने डिफॉल्ट हिंदी में चुना होगा तो हिंदी में दिखाएगा। अगर आपने आपको इंग्लिश करना है तो केवल हिंदी या इंग्लिश ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। अगर आपने इंग्लिश चुना होगा तो ये वाला ऑप्शन आपका काम ही नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। यदि आपने इंग्लिश चुना होगा तो केवल इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तब आपको कोई भी लैंग्वेज से मतलब ही नहीं है, आपको सीधा एग्जाम देने से मतलब है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जानकारी को शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी मैंने दिया ऑफिशियल दिया, और ये जानकारी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। पहले से आप लोग अपने दिमाग को तैयार करके जाइए, अपने आप को पहले से तैयार करके जाइए कि हमें किस लैंग्वेज में एग्जाम देना है, ठीक है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।